समझ आ गया, आगे बोलो आप मुझे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, आप सबकी तरह ही मेरी भी जो शुरुआत है दिन की वो चाय के कप के साथ हो चुकी है। और लेडीज की जो चाय होती है ना, वो सर जो है मॉर्निंग टी जो होती है ना, वो किचन में ही होती है। स्पेशली बैठ के तो हम मॉर्निंग टी पीते नहीं। तो आप सबके भी बताइए कि काम के साथ साथ आप भी चाय मेरी तरह किचन में ही पीते हैं ना सुबह को, है ना? तो यस जरूर लिखिए अपने कमेंट्स में। और जो है बस हमारी जो है दुनिया यही है, शुरुआत भी यही, एंड भी यही, ठीक है। सो बस दूर से जो है मंदिर से भजन की आवाज आ रही है सुबह सुबह, तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और हल्का हल्का जो सुबह का अंधेरा होता है ना, वो भी देखना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो बस ये सब जो खुद को अच्छा लगता है उसके साथ भी, और जो बाकियों को अच्छा लगता है उसको बनाने के साथ भी सुबह की शुरुआत होती है हमारी। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं आज का काम। अमूल्य का है कंप्यूटर का एग्जाम। तो फ्रेंड्स आज की जो ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी वो ये है कि आलू मटर की सब्जी बन रही है लंच तक के लिए, और ब्रेकफास्ट के लिए थोड़े से परांठे। लेकिन देखा ये गया कि सिर्फ एक ही जो है वो बॉल है गोभी के मसाले का, गोभी के परांठे बनाने की तैयारी थी। तो साथ में मैंने क्या किया, थोड़े से उबले हुए जो काले चने थे ना, और 2 स्पून लेफ्ट ओवर राइस थे कुक्ड राइस, तो मैंने उन दोनों को जो है वो चॉप करके मसाले में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स स्कूल से आ गए थे हम 3:30 बजे घर, और अभी बज गए 4:30। तो थोड़ी रेस्ट करके अब हम जा रहे हैं लाइक रिलायंस, हमारे इधर जो है नया स्टोर खुला है ना रिलायंस का, तो उसको देखने जा रहे हैं। हो गए हैं 10-12 दिन उसको खुले हुए, तो चलते हैं। मूल्य का पेपर आज अच्छा हो गया है, और जो है कल को मूल्य का पेपर नहीं है, तो आज थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। अदरवाइज उसको मैथ्स की प्रिपरेशन आके करवाऊंगी, और कल भी सारा दिन वो करेगा। सो आज अभी टाइम है 1 आवर का, जल्दी से एक क्विक विजिट करके आएंगे रिलायंस स्टोर पे। अभी जो है ब्रेजा में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रेजा सिर्फ यहीं तक लेके जा रही हैं, क्योंकि बाली साहब दूसरी हमारी गाड़ी लेके गए हैं ना, तो इसलिए अभी ये उनको रिटर्न कर देंगे और उसे अपनी छोटी वाली गाड़ी ले लेंगे, जिसके कि हम हकदार हैं, हम अभी छोटी गाड़ी चलाने के हकदार हैं, लेकिन सिर्फ वहीं तक जो है वो ब्रेजा को ड्राइव कर।
भागना है तो हारी सरना रिलायंस स्मार्ट बाजार जाकर के आ चुके हैं। अच्छा लगा वहाँ जाकर के, और थोड़ा ये भी लगा कि बिल्कुल जैसे जाते ना चंडीगढ़ वगैरह में बिग बाजार्स में, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बना हुआ है। मुझे ये शक था कि जैसे छोटा शहर है हमारा, है ना, तो उसमें जो है वो फुल फ्लैश्ड वो उन्होंने बनाया है या क्या एक्सटेंट तक जो है वो स्टोर बना रखा है, लेकिन पूरा है स्टॉक, हो सकता है कम हो ज़्यादा हो, दैट इज़ डिफरेंट इशू, लेकिन चीज़ें जो हैं वो सारी ही रखी हुई हैं। और जो है पता है आपको या नहीं पता, आई डोंट नो, तो रिलायंस ने 200 कोई जो अपने बिग बाजार्स है ना उनको रीब्रांड किया है एज अ स्मार्ट बाजार्स, तो उसको उसने उसका जो अपने पास कस्टडी ले ली है और स्मार्ट बाजार्स बन गए हैं। तो अच्छा ही होता है ये इन एवरी सेंस, तो इकोनॉमिकली भी ठीक रहते हैं, हर चीज़ पे 20-30 रुपए का फ़र्क रहता है। मोर ओवर सबसे अच्छी बात है कि एवरीथिंग अंडर वन रूफ जब आपको मिल जाता है, चाहे आपके 2 आवर्स लग जाएं, लेकिन जो है वो आपको पूरा सामान तसल्ली से एक ही जगह से आप ले सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब बात रही। अब जो है उसके बाद वहाँ से आकर के बच्चों को खेलने के लिए छोड़ा, अमूल्य को भी भेज दिया कि चलो कल को एग्ज़ाम नहीं, कोई बात नहीं, आप जाके आ जाओ, फिर रात को पढ़ेगा आज और कल को दिन में वो प्रिपरेशन करेगा मैथ्स की अपनी। सो हमारी स्टोरी ऐसी है कि अब हम चलेंगे किचन की तरफ, किचन इज वेटिंग एज ऑलवेज। सो दिन भर तो रहे बिजी काफ़ी, और सुबह ही पता लग गया था एक्चुअली कोई न्यूज़ में कहीं फेसबुक पे कहीं छाया हो कि आज लोग जो है वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। सो हम ऐसा सच कोई इस दिन को मनाते नहीं हैं, है ना, क्योंकि हमें इसका कुछ मीनिंग नहीं लगता, मीनिंगलेस लगता है। और अभी जो दिन भर जो चले ना वो मीन्स लाइक मैसेजेस चले ना, तो मुझे एक दो बहुत फनी नज़र आए,
तो वैलेंटाइन डे तो नहीं मनाते, लेकिन वो मैसेजेस को रीड तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो पहले तो मैं आपको ना एक जोक सा सुनाती हूँ वैलेंटाइन डे का, है ना। तो जो जोक मुझे आया ना कहीं से, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, है ना। तो जो है जोक पता क्या है, मतलब पहाड़ी में है जोक, है ना। जोक ये है कि वाइफ बोल रही है हस्बैंड को, मतलब ना उनकी शादी को काफी टाइम हो गया है तो अपने पुराने दिन वो याद कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम कैसे थे और अब कैसा जमाना आ गया, ठीक है। तो बोलती है क्या, वाइफ बोल रही है कि कदे 6 दिन थे मैं स्कूल जांदी थी, तू हां बस्सा दी ड्राइवरी करदे थे, कन्ने मिंजो रोज नौए नौए गीतां लिया गीतां दिया कैसटां भराई ने दिंदे थे, है ना। समझ आ रहा ना, ठीक है। तालू कुत्थे वैलेंटाइन हुंदा था, ठीक है। मतलब बोल रही थी कि हम भी तो है ना। समझ आ गया, आगे बोलो आप, मुझे समझ आ गया, ठीक है। तो हस्बैंड क्या बोल रहा है ना, उसका परेशान है वो, वाइफ से पहले ही परेशान है, लाइक ऑल हस्बैंड्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि अग लगे तिना दिना जो तेरियां कैस्टा ले डुबियां, ना बसा चलाने जोगा रहा ना घर चलाने जोगा रहा। हंसी नहीं आई, इट इज ऑल ऑब्वियस बट अच्छा अच्छा। तो मतलब वो ना, मतलब वो उनका अलग ही टाइप का था कि वो कैस्टे भरा के देता था, वो बस चलाता था। तो कह रही थी तब तो कोई वैलेंटाइन डे नहीं मनाते थे, ठीक है। अब एक और सुनाती हूँ, ठीक है। एक और है, हाँ। अब ये तो रहा ना मैरिड लोगों का जो एक दूसरे से परेशान हो चुके हैं, है ना। अब एक सिंगल लोगों का सुनाती हूँ, सिंगल जो है, ठीक है। कहता हम सिंगल लोग हैं जनाब, वैलेंटाइन डे को यूट्यूब की एड की तरह स्किप कर देंगे। ये भी अच्छा है, फनी, ये भी अच्छा है। अब एक और सुनाती हूँ, वेट वेट, हाँ। अब ये जो है सीरियस वाला, एंड इट इज डेडिकेटेड टू यू। तो हमने मतलब एक सेकंड वेट करो ना, मतलब वैलेंटाइन डे मनाया तो कभी नहीं ना, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम जो है आपको वैलेंटाइन डे के थ्रू शायरी, मतलब सीरियस वाला है ये, ठीक है। तो चलो अब मैं सुनाती हूँ आपको और इसके बाद हमारा व्लॉग का एंड हो जाएगा, ठीक है। सुनो, कहते ना जाने लोग क्यों मनाते हैं इस दिन को, नहीं गलत हो गया, ना जाने लोग क्यों मनाते हैं इस दिन को प्यार कहते, हाँ। ना जाने लोग क्यों मनाते हैं इस दिन को प्यार का त्योहार, ठीक है। वाह वाह तो कर दो, वाह 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 वाह। ना जाने लोग क्यों मनाते हैं इस दिन को प्यार का त्योहार, मुझे तो तेरा जिक्र ही इश्क का सबसे बड़ा जश्न लगता है। बल्ले 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 बल्ले, मजे करता मजे, तो ये बल्ले बल्ले हो गए, मजे करती हूं। अच्छा है, सीरियस वाला जो है ना, मजे करती हूं। सो वो कह रहा है कि भाई डे सेलिब्रेट करने का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब बल साहब वैसे भी क्या बोलते थे आप, जो प्यार और इश्क होता है ना, बुल्ले शाह कह गए हैं कि सच्चे इश्क का क्या मिलना था क्या गिनना, क्या मिलना था क्या गिनना, मिलना तुसी जानते हो मतलब नो वेट मेजर करना, नो मेजरमेंट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स और किलोग्राम्स, इट इज इनफाइनाइट, ऑलवेज इनफाइनाइट, एंड सच्चे इश्क का नाम मिलना ना था गिनना, ठीक है। मतलब नो 14 फरवरी एग्जिस्ट फॉर अस, पहली बात है, लेकिन फिर भी थोड़ी एक दो फनी सी शायरी दिन में आई थी तो मैंने बोला शेयर कर लेते हैं और आपसे भी सुना देते हैं। आप ये बताना कि आपको फनी वाली शायरी कैसे लगी, खास करके जो पहाड़ी वाला जोक था वो कैसा लगा, ठीक है। सो बस इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। कमेंट जरूर करना है शायरी कैसी लगी और हमारी मैं फ्रेम में आने के लिए ऐसे टेढ़ी की हुई गर्दन, मैं फ्रेम में नहीं आ रहा था इसलिए गुस्सा हो जाते हैं बस। अच्छा जी, तो व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो।